हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टिचवेल एमएम पे। आज हम लोग एक धोती पैंट बनाएंगे। जो मेरे पास ये कपड़ा है 2.5 मीटर, तो पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। ये मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे हमें कितना ऐड करना है, कितना छोड़ना है, ये इसलिए मेजरमेंट पे हमेशा ध्यान दीजिए। ये आप देख सकते हैं, तो आइए अब हम पहले कपड़े को कट कर लेते हैं। इसके लिए पहले हमें बेल्ट के लिए जो कपड़ा चाहिए ये पहले हम कट कर लेंगे। एक साइड से पहले हम ऐसे फोल्ड फोल्ड कर लिए। ये थोड़ा सा सीधा है, इसे हम सीधा कर लेते हैं। बेल्ट के लिए हमें चाहिए 8 इंच, एग्जैक्ट हमें 6 इंच चाहिए और 2 इंच हमें ये मोड़ने में जाएगा, तो ये हो गया हमारा 8 इंच। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा हो गया, साइड कर देते हैं। अब जो ये कपड़ा है इसे हम पहले 2 फोल्ड करेंगे। फिर इसे हम ऐसे एक कोने से दूसरे कोने तक इसे हम ऐसे ले जाएंगे। ये ऐसे ही आ गया। अब पहले हम देख लेते हैं इसका लेंथ। हमारा जो लेंथ है ये 36 है, इस पे हम 3 ऐड करेंगे तो 39 चाहिए हमें। 39 में से हम 6 माइनस करेंगे जो हमारा बेल्ट में आएगा, तो यहाँ से हम 6 माइनस करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं लेंथ बराबर में है कि नहीं है। हाँ, ये बराबर में आ जाएगा पूरा एकदम से। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे हम सीधा कर लेते हैं। एकदम बराबर में बिल्कुल आ गया है। तो यहाँ से जो हमारा मोहरी है वो है 12, इसमें हमने 1 ऐड किया है सिलाई मार्जिन, तो 13। यहाँ से हम 7 पे लगाएंगे मार्क। और यहाँ से हम आसन का मार्क लेंगे, ऊपर से हम बेल्ट छोड़ के ऐसे 15 पे हम आसन लगाएंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच अंदर की तरफ लेंगे, यहाँ से भी 2 इंच मार्क करेंगे, फिर इसे यहाँ से एकदम सीधा कर देंगे। अब इसे ऐसे गोलाई दे देंगे। ये हो गया हमारा कटिंग। नीचे से हम इसे कट नहीं करेंगे, ये सिर्फ ये हमें सिर्फ देखना था कि ये बराबर में लेंथ में आ रहा है कि नहीं, तो ये आ गया। हम नीचे से कुछ कट नहीं करेंगे, अब सिर्फ हमें ये कट करना है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है ये एकदम सीधा हमें। फ्रेंड्स,
ये हमने कट कर लिया है और आप देख सकते हो कि ये जो कोना है, जो स्ट्रेट लाइन पे जो कोना है, इस कोने को भी मैंने थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप कर दिया है। देख सकते हैं ऐसे राउंड शेप, जो एकदम कोना था उस कोने को जस्ट एकदम स्लाइटली थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है। अब जो पहला है, पहले हमें ये आसन जो है, ये दोनों पार्ट ऐसे ऐसे खोल के, दोनों पार्ट ऐसे हमें पहले ये आसन यहाँ से सींग लेना है। पहले हमें यहाँ से यहाँ और ये जो आसन जो हमने कट किया है, फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मैंने सिल लिए है, दोनों तरफ ऐसे सिल लिए है। अब जो हमें करना है वो बेल्ट का जो कपड़ा है इसे हमें सिलना है। इसे यहाँ से सील के फिर ऐसे इसे मोड़ देना है। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसे सिल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती। फ्रेंड्स ये हमने सिल लिए है, हमारे जो बेल्ट का कपड़ा है ऐसे सिल के हमने मोड़ लिया है। अब इस पे हम इलास्टिक लगाएंगे, तो अब इसे जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिए थे वैसे 2 इंच हमें ऐसे इतना फोल्ड करके और इसे यहाँ से डबल फोल्ड करके इसे हमें यहाँ से मोड़ देना है। 1 इंच छोड़ के हमें पूरा पूरा राउंड में हमें सिलाई कर लेना है। 1 इंच हमें छोड़ना है क्योंकि हम जब इसमें इलास्टिक लगा, आप देख सकते हैं ये मैंने सिल लिए है और ये यहाँ पे गैप छोड़ दिया है, यहाँ से हम इलास्टिक लगाएंगे। अब जो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है, अब हमें ये जो दूसरी तरफ है जो खुला हुआ साइड है यहाँ पे हमें 4 मार्क करना है, 4 मार्क करना है। ऐसे पकड़ के अब ऐसे लीजिए, यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे भी 1 इस साइड और 1 अंदर की साइड। ये बहुत जरूरी है धोती पहन के लिए। अब ये सिलाई जो है ये हमें फ्रंट पे रखना है, तो उस हिसाब से हम ऐसे पकड़ लेते हैं। पहले ये हमारा फ्रंट है तो ये 2 साइड है, तो दोनों साइड से ही हमें प्लेट डालनी है। तो हम इस पे भी हम मार्क करेंगे, दोनों तरफ ये आसन का सिलाई है तो ये हमारा मार्क हो गया 2 और ये जो हमने कट किए थे ये कोना में हम मार्क कर लेते हैं, ये 2 मार्क हो गया। अब हमें क्या करना है, आप चाहे तो पिन की मदद भी ले सकते हैं या आप डायरेक्ट ऐसे मशीन पे भी डाल सकते हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ। ये हमारा सीधा साइड है और ये बेल्ट का सीधा साइड, जो ये सिलाई है ये हमें फ्रंट पे रखना है। तो ये जो आसन का सिलाई लगाए थे हमने, पहले यहाँ पे एक हम पिन लगा लेंगे, प्लेट नहीं डालेंगे अभी हम, प्लेट हम मशीन में जब सींगे तब हम लगा लेंगे प्लेट। अब सिर्फ हमें ये पिन से अटैच कर लेते हैं। अब जो ये हमने मार्क किए थे कोने में ये, अब इसका जो मार्क किए है ये दोनों यहाँ पे ऐसे, तो हम साइड से प्लेट लगाना शुरू करेंगे। तो प्लेट हम कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए, ये हमारा बेल्ट है और ये हमारा, तो हम इसे पहले एक इस तरफ से और एक यहां से, दोनों तरफ से ऐसे प्लेट लगा लिए
अब इसे यहाँ पे रख के हम पिन कर लेते हैं। तो जब हम इसे सींगेंगे तो ये जैसे प्लेट हमने डाला है दोनों तरफ से, तो ऐसे ही हम डालेंगे। अब इस तरफ भी हम कर लेते हैं। ये हमारा मार्क कोने का और ये हमारा बेल्ट का ये साइड, इसे भी हम सेम तरीके से एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, ऐसे दोनों तरफ से। ध्यान दीजिए, प्लेट हमें ऐसे डालनी है, ऐसे बीच में, ऐसे उल्टी साइड नहीं, उल्टी साइड हमें नहीं डालनी है, हमें अंदर की तरफ ऐसे डालनी है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसे हमें प्लेट डालनी है। फिर इसे भी हम इसी मार्क पे अटैच कर देंगे। और हम इस साइड से ही सींगना शुरू करेंगे। तो जैसे हमने प्लेट डाला है, हमारा प्लेट की पूरा प्लेट हमें ऐसे ही डालनी है, फिर दूसरी तरफ नहीं डालनी है, हमें ऐसे ही डालते रहना है। फिर जब हम बीच में चले जाएंगे, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही डालना है प्लेट, जिस तरफ इस प्लेट का मुंह है हमें उस तरफ ही रखना है। तो आइए हम इसे सीन लेते हैं, फिर ये हमने पूरा राउंड में सील लिए हैं। अब हमें पैर की जो मोड़ी है, पहले हम ऐसे मार्क करेंगे, जैसे कि ये हमारा मार्क यहाँ पे ऑलरेडी है, जहां तक हमारा मोड़ी का मेजरमेंट आता है यहाँ से, वहां तक हमें इसे डबल फोल्ड करके मोड़ लेना है पहले दोनों पैरों में, और फिर यहाँ से हमें पूरा यहाँ तक इसे सींग लेना है। तो आइए इसे पहले सींग लेते हैं। ये बन गया हमारा धोती पैंट। अब सिर्फ हमें इसमें इलास्टिक लगानी है, तो इलास्टिक लगा के फिर आपको दिखाते हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन भी ज़रूर दबाइए, ताकि अगली बार जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और नए नए आइडियाज़ और नए नए डिज़ाइन आप सीख सकें, देख सकें। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।